अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 63 पिक्सल्स। एडोब इलस्ट्रेटर में इस टाइप का 3D पैटर्न किस तरीके से बनता है, ये बनाना बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट, और यहाँ पे आके ये शेप में आके मैं यहाँ से पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये मेरा डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पे डी प्रेस करूँगा तो ये हट जाएगा। और मैं शेप को अपना फील को बंद कर रहा हूँ, स्टॉक को ऑन रखा हुआ है। आपने शेप के साथ इस तरीके से आप प्रेस करके, शेप प्रेस करा हुआ मैंने, और क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूँ मास्क को, तो इस तरीके से आपने शेप बनाना है। शेप बनाने के बाद यहाँ पे आना है आपको पेन टूल पे। पेन टूल पर आने के बाद यहाँ पे जूम कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे कुछ लाइन सेट करनी है, तो जब मैं इस पर आता हूँ, ये देखें अभी मेरा यहाँ पे माउस को देखें, पेन टूल को देखें, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो देखेंगे कन्वर्ट हो रहा है माइनस में। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरह माइनस कर रहा है। मुझे माइनस नहीं करना, इसके अंदर प्लस करना है, तो उसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा। जस्ट यहाँ पे क्लिक करा, अभी भी मैंने शिफ्ट को प्रेस करके रखा हुआ ताकि मुझे यहाँ पे सेंटर का जो पॉइंट है वो मुझे गाइड कर दे। यहाँ पे सेंटर है, मैं यहाँ पे क्लिक करा, फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट का बटन छोड़ दिया है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आके क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ से इसको हटाना है, तो यहाँ पे मैं एस्केप का बटन प्रेस करा, यहाँ से हट गया। अब ऐसे ही मुझे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए मुझे शिफ्ट प्रेस करना है, क्लिक करना है एक दफ़ा, और फिर इसके बाद बटन छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे लाके क्लिक करना है, इसको मुझे फिर एस्केप कर देना है। तो इस तरह के हमारे पास ये एक क्यूब रेडी है। वो तुल लिया मैंने, उसको सेलेक्ट कर लिया। अब अभी ये अलग लिया मैं है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको मर्ज करना इसके साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास एक टूल है, शेप बिल्डर टूल, ये लेने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करना है। अब इसने इसको एक बॉक्स में, क्यूब में ऐड कर दिया है, और अब मुझे क्या करना है, इसको फिल करना है। इसको सेलेक्ट करा और इस तरीके से यहाँ पे इसको स्ट्रोक हटा के इस तरह उसको कन्वर्ट कर दिया फिल में। अब मुझे इसका ना कलर ऐड करना है, तो आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कलर ऐड करके रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करा मैंने, आई ड्रॉपर टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने दूसरा टूल लिया, यहाँ पे क्लिक करा, आई प्रेस करा, इसकी शॉर्ट की आई है, यहाँ पे क्लिक किया, वी प्रेस करूँगा तो मूव टूल आ गया, यहाँ पे क्लिक करा, आई प्रेस करूँगा तो आई ड्रॉपर टूल आ गया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कलर ऐड कर लिए हैं। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है पैटर्न में। सिंपल आपने इसको सेलेक्ट करके रखना है, ऑब्जेक्ट में आए, यहाँ पे आपके पास आएगा पैटर्न, यहाँ पे मैक, इस तरह का अगर एरर आ रहा कोई बात नहीं, आप डोंट शो अगेन कर रहे हैं, देन ओके कर दें। इसके बाद यहाँ पे आना है, इसके बाद इसको आपने करना है हेक्स बाय कॉलम पे। इस तरह क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से ऊपर आ रहा हो डन का, यहाँ पे डन कर दें। इसको आपने डिलीट करना, डिलीट कर दें, तो उसको साइड में कर लें। और जितने एरिया पे आपको वो चाहिए पैटर्न, यहाँ पे सिंपल आप सिलेक्ट करें, और यहाँ पे आपके पास आ रहा हो स्वाचिस का एक। अगर यहाँ पे आपके पास शो ना हो रहा हो, इस तरीके से होगा, आपके पास अगर शो ना हो रहा हो तो आप विंडो में आए, यहाँ पे आपके पास स्वाचिस एक आ रहा हुआ है, टिक लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास ये देखें, ये मेरा पहले का एक बना हुआ है पैटर्न, और एक ये जो मैंने अभी बनाया, देखिए सिंपल मैंने क्लिक करा, सॉरी मैं सिंपल एक क्लिक करा और ये इसने ऐड कर दिया। तो ये बनाना बहुत आसान है। आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।